हेलो एवरीवन, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये अपने जो सिलेबस होता है हाई कोर्ट और कई वैकेंसी में, एलडीसी हो, हाई कोर्ट हो, एसएससी बैंक वगैरह हो, सभी वैकेंसी में आता है, तो लेते हैं। ठीक है, सब समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे याद रखें इसको। ठीक है, फर्स्ट है अपना मोनार्ची, टॉप है अपना मोनार्ची। ठीक है, अगर इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या होता है इसका, ए गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है इसमें, एक गवर्नमेंट है जो कौन चलाता है उसको, एक राजा और एक रानी के द्वारा यह चलाया जाता है। ठीक है, तो अपन समझ सकते हैं कि मोना अपन यहाँ से पकड़ते हैं मोना, यहाँ पर देख लो मोना क्या है, एक रानी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट चलाती है, तो यहाँ से आप ट्रिक बनाना है। ठीक है, मोनाची यानी मोना से आप समझने का, एक क्वीन है मोना। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना मोना ये लो सोना, तो ऐसे याद कर लेना। तो सोना किसके पास होता है, क्वीन के पास होता है, रानी के पास होता है, तो जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। ठीक है ना, ब्रिटिश के बोल लो, ब्रिटिश कौन है, ब्रिटिश की रानी कौन है, मोना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट लेते हैं। सेकेंड अपना है पैंथेजम, पी ए एन टी एच ई आई एस एन, पैंथेजम। ठीक है, इसका मन अगर अर्थ देखें तो ये क्या है अर्थ इसका, ए बिलीफ, ए बिलीफ दैट गॉड is in everything, is in everything, and is in everything. ठीक है, बस यहां तक ही, and everything is God. Okay, everything is God. यानी अपन इसका अर्थ कह सकते हैं कि गॉड ही सब जगह पर उपस्थित है, सब वस्तुओं में उपस्थित है, यानी सब वस्तुएं यानी क्या है, एक तरह से भगवान है। तो इसका मतलब यह है। ठीक है, तो अपन समझ सकते हैं कि इसको याद कैसे करें। ठीक है, जैसे पेन, पेन मतलब क्या होता है, दर्द। ठीक है, पेन क्या होता है, अपन कह सकते हैं पेन से क्या होता है, मतलब पेन अपन बोलते हैं पी ए आई एन, पेन। पेन से क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, दर्द तो अपन किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। भगवान को कहीं पर जरूरी नहीं कि वहां पर मूर्ति हो, तस्वीर हो, तभी अपन याद करें, कहीं पर भी याद कर सकते, हर वस्तु हर जगह पर भगवान है। तो अपन इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, इस सेंटेंस को। ठीक है, पैंथेजम से कैसे याद आएगा, पेन से अपन को याद आएगा कि यार पेन से क्या होता है, अपना दर्द होता है, दर्द से यानी हर भगवान का है, हर वस्तु हर जगह पर है, तो अपन इस तरह से अपनी याद कर सकते हैं। चलिए थर्ड लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन जूरी, जूरी का अर्थ देख लेते हैं अपन, ए बॉडी ऑफ पर्सन पर्सन्स अपॉइंटमेंट appointed to hear evidence and give evidence and give their verdict
इन ट्रायल्स अपन कह सकते हैं कि एक तरह की एक बॉडी है, संस्था है, ठीक है, जिसमें एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो किसी भी केस के अंदर लोगों की जो एविडेंस होते हैं और जो उनके साक्ष्य होते हैं उनको ट्रायल के रूप में वो सुनता है और उसके बाद वो जज करता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं संस्था, अपन कह सकते हैं कि जूरी मतलब क्या होता है अपना, तो मैंने आपको बताया था जूरी मतलब पंचायत होता है, तो एक बॉडी बना रखी है सरकार ने, ठीक है, पंचायत शब्द से। तो वो लोगों के क्या होते हैं कि जो भी एविडेंस होते हैं, जो भी उनकी क्या नाम है साक्ष्य होते हैं, वो उनको एक ट्रायल के रूप में सुनते हैं, ठीक है। तो अपन ये कह सकते जूरी से आप याद कर ले, जैसे अपना जज होता है, जज से अपन क्या समझ सकते हैं, जज भी एक ही काम करता है, ठीक है ना। तो जूरी आप शब्द याद रख लेना, जज से बिलोंग करता है, तो इससे ही अपन को याद हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ पॉइंट लेते हैं। फोर्थ है अपना, नेक्स्ट क्या अपना एनोनिमस है, तो इसको अपन देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है। एक बुक है, आप कह सकते हो एक बुक है या एक कला का कार्य है, ठीक है, जिसका ऑथर को अपन जानते नहीं, यानी जिस ऑथर को अपन जानते हैं, जो वर्क हो रखा है, जो बुक लिखी हुई है उसके ऑथर को जानते नहीं, उसको क्या कहते हैं अपन एनोनिमस। तो आप कह सकते हो अननोन, जिसे अपन कहते हैं ना अननोन, तो ये देखो आगे वाला शब्द जो बना हुआ है वो अननोन से बना है, अननोन जिसको अपन जानते नहीं है, ठीक है, जानते नहीं किसको अपन नहीं जानते हैं, ऑथर को नहीं जानते। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अननोन को किसको नहीं जानते, ऑथर को ना, कोई बुक का ऑथर है जो अच्छी किताब लिखी है पर उसके ऑथर को अपन जानते नहीं है। तो आप ये कह सकते हो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अननोन जो वाली ट्रिक है अपनी, उससे याद हो सकता है आपको कि अननोन का अर्थ क्या है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट चौथा लेते हैं, अपन कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसमें क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट को रखते हैं, तो इसका अर्थ तो ये है, तो हैंगर उसे कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे करोगे, जैसे अपन एयरक्राफ्ट को क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो एक अपन कह सकते हैं वो एयर की तरफ लटक जाता है, हैंगर की हैंग जैसे लटक जाता है, क्योंकि वो हवा में उड़ सकता है, उसको खुली जगह चाहिए थोड़ी सी, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन हैंग कर सकते हैं इसको, ठीक है, हैंगर जो होता है अपना, ठीक है ना, जैसे लटक जाना, हैंगर में क्या होता है, लटक जाता है, तो बिल्डिंग पर लटक जाता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अपना है वन वर्ड, समरिटन, समरिटन, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि एक ए चैरिटेबल या हेल्पफुल पर्सन, मतलब चैरिटेबल का मतलब क्या, वो दान देता है, दान वगैरह करता है लोगों की हेल्प के लिए, जो गरीब पर्सन होते हैं उनकी हेल्प के लिए क्या है, एक पर्सन है, हेल्पफुल पर्सन होता है, उसको अपन समरिटन कहते हैं। अगर याद रखना है तो एक अर्थ होता है अपना समर्थन, समर्थन से आप याद रख सकते हो, तो सैमरिटन को अपन क्या बोल सकते हैं, समर्थन बोल सकते हैं, समर्थन से अपन को याद रहेगा, किसी का अपन समर्थन करते हैं, तो समर्थन कैसे करते हैं, पैसों से, मदद से, हेल्प से, अपने वर्डिंग से, कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है ना, इन लोगों की मतलब ये गरीब होते हैं, इनका कोई नहीं है, तो अपन को क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। तो समर्थन शब्द आप याद रखो, तो सैमरिटन भी याद हो जाएगा आपको, तो उससे अपन याद रहेगा समर्थन से अपन ने क्या ट्रिक बनाई थी, कि अपन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। चैरिटेबल पर्सन कौन होता है, तो जो लोगों के पैसों से या किसी भी तरह से मदद करे किसी, ठीक है। चलिए एट सिक्स सेवंथ नंबर लेते हैं, देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, एक पोस्टमॉस चाइल्ड, ठीक है, पोस्टमॉस चाइल्ड, तो इसका अर्थ होता है कि एक बच्चे का जन्म होता है, उसके फादर के डेथ के बाद उसका जन्म होता है, तो वो कहलाता है अपना पोस्टमॉस। अपन ये कह सकते हैं कि पोस्ट, पोस्ट शब्द से याद होता है, पोस्ट मतलब होता है बाद में, पोस्ट मतलब क्या होता है,
बाद में, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि बाद में उनका जन्म हुआ, ठीक है ना। तो अपन याद कर सकते हो पोस्टमार्टम तो बाद में, और एक शब्द और यहां से निकल रहा देखो अगर समझे तो एच यू एम, एच यू एम यानी ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूम एच यू एम लिख रहा है शुरू से अपन, ह्यूमन ह्यूमन मतलब क्या होता है मानवता। यानी किसी बच्चे के फादर की अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद उसका जन्म लेता है, तो लोगों को मानवता दिखानी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपन इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एच यू एम से आप याद रखना, ठीक है। जरूरी नहीं कि चाइल्ड लिखा हुआ आए वहां पर, ठीक है, तो आपको पोस्टमॉर्टम भी लिखा हुआ आ सकता है वहां पर, इसलिए आपको समझना, इसी से अपन को अर्थ निकालना है, ठीक है। तो पोस्टमॉर्टम से अपन समझ सकते हैं पोस्ट मतलब होता है बाद में, और ह्यूमन एच यू एम से आप निकालना ह्यूमन, ह्यूमन के यानी मानवता रखते हैं, किसके लिए मानवता रखता है, जो बच्चों का जन्म लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ये अपने इम्पोर्टेंट है एट्थ नंबर का, ठीक है। ये जब आ चुका है ऑर्फेन, ऑर्फेन ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता पेरेंट्स बोला है तो यानी माता पिता मर चुके हैं, ठीक है, तो उसका आया है। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि इसको याद कैसे करें, और फैन, फैन मतलब क्या होता है, फैन फैन यानी पंखा, अपन कह सकते हैं फैन इंग्लिश में बोलते हैं, पर वैसे फैन की स्पेलिंग अलग होती है, एफ ए एन होती है, पर अपन फैन से अपन फैन बना लेंगे ट्रिक के लिए, ठीक है। तो फैन से वो दोनों लटक कर मर गए, ऐसे अपन याद करने की ट्रिक है ये, तो मर गए और अपने बच्चों को अपनी सारी परेशानी देखकर चले, खुद तो छुटकारा पा लिया, ठीक है, अपनी परेशानी और उनको बच्चों को दे गए। तो इस तरह के माँ बाप भी होते हैं जो अपनी परेशानी बच्चों को दे जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और फेल, फेल मतलब अपन ट्रिक ही बना रहे, केवल केवल ट्रिक मारा है, और भी कारण से हो जाती है डेथ, तो माँ बाप की एक्सीडेंट वगैरह, तो मैं तो आपको ट्रिक मनाने का जरिया है मेरा ये, और कोई मेरा ये मतलब नहीं है, ठीक है। तो और फेन यानी वो फैन से अटैक कर डेथ हो गई उनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, एट हो गया, नाइन्थ लेते हैं, प्रोडिजी नया शब्द है, प्रोडिजी ए चाइल्ड विथ अनयूजुअल ऑफ रिमार्केबल टैलेंट, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो जो असाधारण होते हैं, उनमें अलग ही टैलेंट होता है, ठीक है। कुछ अलग होते हैं साधारण बच्चों की तरह ना होकर, अन मतलब असाधारण बच्चे की तरह होते हैं, उसको एक अलग ही जज्बा दिखता है, अलग ही टैलेंट होता है, अलग ही दिमाग दिखता है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडिजी, ठीक है, ठीक है। आप ये कह सकते हो जिसे प्रौढ़ शिक्षा होती है, प्रौढ़ शिक्षा होती है, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा से अपन ट्रिक बना रहे हैं, पर प्रौढ़ शिक्षा में उसने नॉलेज ली जिससे उसके पीछे क्या लग गया, जी लग गया, क्यों, क्योंकि उसमें रिमार्केबल टैलेंट था, ठीक है। इस तरह से अपन प्रोडिजी को याद रख सकते हैं, ठीक है, उस बच्चे में। वैसे तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा में जो वृद्ध जाते हैं, उम्र दर जाते हैं, पर अपन चाइल्ड से ट्रिक बनाने की यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रौढ़ के लिए अपन समझ सकते हैं एक चाइल्ड का अनयूजल असाधारण दिमाग है जिसने बहुत अच्छा टैलेंट प्राप्त कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, इसका अर्थ है ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक नागरिक है इसका वर्ल्ड, वर्ल्ड का ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का एक शब्द कह सकते नागरिक है, ठीक है। यानी कॉस्मोपॉलिटन इसका अर्थ होता है कॉस्मोपॉलिटन, तो अपन ऐसे याद करते हैं एक पॉलिटिशियन है, कहीं भी जा सकता वर्ल्ड में, ठीक है, पॉलिटिशियन है, तो उसको एक तरह से ऐसी नागरिकता मिल जाती है कि वो वर्ल्ड में कहीं भी जा सकता है, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। वैसे इसका अर्थ ये होता है कि वर्ल्ड का एक नागरिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये अपना नंबर कौन सा हो गया, टेंथ वाला हो गया, ठीक है। अब अपन क्या लेते हैं, इलेवेंथ लेते हैं, ठीक है। कॉफले, कॉफले सी डबल एफ एल ई, कॉफले कॉफले, कॉफले का ए कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, अपन कह सकते हैं
स्लेव मत होता है, दास हो सकता है, गुलाम होता है, तो गुलाम का एक ग्रुप है, झुंड है, तो अपन कह सकते हैं कि उनको गुलाम बना रखा है, तो इसका अर्थ होता है कॉफले। तो अपन याद कर सकते हैं जैसे कॉफी, कॉफी से कॉफी लाने वाला कौन होता है, नौकर, नौकर चाकर। तो अपन इसको ऐसे अर्थ बना सकते हैं कि नौकर चाकर क्या होते हैं, गुलाम होते हैं, ठीक है, कॉफी कॉफी लाने वाला गुलाम, ठीक है। इस तरह से ट्रिक बता रहा हूं याद करने के लिए, ठीक है। कॉफी से आपको याद आएगा कि गुलाम होते हैं जो नौकर चाकर करते हैं, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्लेटिट्यूड ए कॉमन प्लेस रिमार्क, यानी एक कॉमन प्लेस है जो हर व्यक्ति का, ये कोई भी व्यक्ति वहां पर जा सकता है, ये सब अपन कह सकते हैं। कॉमन प्लेस एक गार्डन है, गार्डन को अपन कॉमन प्लेस कह सकते हैं जहां पर हर कोई व्यक्ति जा सकता है। पर जब वहां पर जाता है तो प्लेट लेकर जाए, ठीक है, डोने पत्तल नहीं लेकर जाए, प्लेट लेकर जाए तो कचरा ज्यादा होता है गार्डन में, तो इसलिए, ठीक है, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। प्लेटिट्यूड का अपन प्लेट की डोने पत्तल नहीं लेकर जाए, प्लेट लेकर जाए जिससे गंदगी नहीं हो वहां पर, कूड़ा करकट नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से इसको अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 13, फ्लक्स। फ्लक्स का एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज, ठीक है, इसका अंतर है कि वो एक प्रोसेसिंग है जो रेगुलर चल रही है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, चेंजेस होता जा रहा है, तो उसका होता है फ्लक्स। तो अपन याद कर सकते हैं फ्लक्स से अपन को याद आता है लक्स, ठीक है, लक्स से अपन कहते हैं कि नहाने से क्या होता है, अपने कलर में चेंज आने लग जाता है, ठीक है ना। इस तरह से एक कंटिन्यू प्रोसेस है, डेली नहाने से क्या होता है, अपने शरीर में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि अपन इस तरह से याद कर सकते हैं, लक्स से अपन को याद हो जाएगा कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो अपने कलर में चेंज करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 14। अपन कह सकते हैं कि एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब क्या होता है, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। तो अपन कह सकते हैं एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है, पर्सन होता है जो दूसरे देशों में अपनी प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे देशों में, तो हर देश में एक एम्बेसडर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसका हिंदी में याद कर सकते हो, वैसे याद रहेगा, ये अधिकतर नाम सुनते आए हैं अपन, ठीक है। वैसे ये कोई कंपनी वगैरह का भी एम्बेसडर बनते हैं और ऐसे भारत देश का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई होता है, ठीक है, जो हेल्पफुल होता है अनदर देश में, अगर अपने जो भारत वाले भारतीय व्यक्ति रह रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 लेते हैं इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस से अपन समझ सकते हैं कि इन्फेक्शन, अपन जो जानते हैं जिस नाम से इन्फेक्शियस डिजीज, एक बीमारी होती है जो एयर और वाटर के थ्रू फैलती है अपने शरीर के अंदर, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं इन्फेक्शन को ही अपन इन्फेक्शियस से याद रहेगा, अपन को ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं, अपन डेली यूज करते हैं, इन्फेक्शन हो गया मुझे, तो वो किससे हुआ है, वो एयर और वाटर से हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सोपोरिफिक। सोपोरिफिक सोपोरिफिक मतलब इसका अर्थ होता है ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, यानी कहने का मतलब है कि एक ड्रग है या एक सब्सटेंस है जो दवाई के अंदर जो होते हैं ना सब्सटेंस डालते हैं, तो उसे कहते हैं ड्रग या सब्सटेंस, जो जो चीजें डाली है उसे अपन क्या कहते हैं, ड्रग या सब्सटेंस जो दवाई के अंदर, तो वो अपन को क्या कहती करती है, प्रेरित करती है सोने के लिए, इंड्यूसेस मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सोने के लिए मतलब प्रेरित करती है वो दवाई, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोपोरिफिक। ट्रिक अपन बना सकते हैं सोपोरी, यानी अपन से देखते हैं ये शब्द किससे मिलता जुलता, सुपारी से मिलता जुलता है, ठीक है। सुपारी या गुटखा खाने से अपन को नशा आता है, ड्रग से अपन समझ सकते हैं नशा आता है, ठीक है, जिससे अपन को क्या हो जाता है, अपन ज्यादा खाने से शराब दारू पीने से अपन क्या हो जाता है, नशा आ जाते हैं, गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, सो जाते हैं, इस तरह से अपन बना सकते हैं इसका ट्रिक। चलिए नेक्स्ट करते हैं
फिक्टिशियोडोनिम, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है ए फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन यूज्ड बाय एन ऑथर। तो इसका अर्थ होता है फिक्टिशियस नेम मतलब होता है काल्पनिक नेम होता है, काल्पनिक नाम जो दिया जाता है किसी के द्वारा दिया जाता है, ऑथर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, उससे अपन बोलते हैं फिक्टिशियोडोनिम, ठीक है। तो यहां से अपन निम्न से पकड़ सकते हैं, निम्न निम्न से यानी नेम बनाना, किसी का भी गलत नाम बना देना, मजाकी नाम बना देना निम्न से, ठीक है, काल्पनिक नाम बना देना, तो वो निम्न से नेम याद आएगा अपन को, ठीक है, इस तरह से अपन पकड़ सकते हैं इसकी ट्रिक। चलिए नेक्स्ट लेते हैं जूरिस डिक्शन, ठीक है, नेक्स्ट है जूरिस डिक्शन, ए फिक्स्ड टेरिटरी इन विच ऑथोरिटी कैन बी एक्सरसाइज। अपन कह सकते हैं इसका अर्थ है एक फिक्स जगह है, क्षेत्र है, ठीक है, जिस जो कि क्या है ऑथोरिटी मतलब ऑथोरिटी कैन बी एक्सरसाइज, यानी उसमें ऑथोरिटी मिल रखी है जिसका आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, जिसका आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो, एक्सरसाइज मतलब प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, तो यानी एक फिक्स बना रखा क्षेत्र, इसमें आप क्या कर सकते हो उसका यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन आप कह सकते हो ज्यूरी यानी जो पंचायत के थ्रू, ठीक है, ज्यूरी मतलब मैंने बताया था आपको अर्थ बताया पंचायत के समान, एक पंचायत के थ्रू एक फिक्स करा ली उन्होंने क्षेत्र को जिसमें अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो, आपका प्रयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले सकते हैं अपन 19 कार्निवोरस, इसका अर्थ होता है ए फ्लैश ईटिंग एनिमल, यानी एक मांस है जो एनिमल खा रहे हैं, ठीक है, ईटिंग कर रहे हैं, तो कार्निवोरस, तो आप कह सकते हो कार में जाते हैं और वार करके मीट खाते हैं, इस तरह से कोई ट्रिक बना सकते हो, वार करके, वार करना, वॉर मतलब वॉर को आप वार मान लो, वार कैसे करेंगे, हमला करेंगे, हमला कौन करेंगे, ठीक है, एनिमल हमला करेंगे किसी को खाने के लिए, तो वो क्या होता है जो कार में जो लोग जाते हैं उस पर वार करेंगे, कार में जो लोग जाते हैं उस पर वार करेंगे, जिससे अपन कह सकते हैं रणथंभौर में क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे लॉयन है, टाइगर्स है, ठीक है, तो आप कह सकते हो वहां पर उसमें कार में जाते हैं उस पर वार कर देते हैं, उससे लोगों को खा जाते हैं, तो वो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए एल्यूमिनस का मतलब होता है एक फॉर्मल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो पहले से कोई स्कूल में पढ़ चुका है, उसको अपन एल्यूमिनी भी बोलते हैं, ठीक है, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी है, जो इसमें पहले कोई पढ़ चुका है बच्चा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं एल्यूमिनस बोलते हैं, ठीक है, एल्यूमिनी नाम से अधिकतर जानते हैं कि एल्यूमिनी कहलाते हैं वो स्टूडेंट जो पहले से ही पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं नेल, ठीक, के एन ई डबल एल, नेल ए फुनरेल बेल, तो अपन कह सकते हैं जब अपना अंतिम समय आ जाता है तो एक अंतिम समय की जो घंटी बजती है, ठीक है, जिसे अपन कह सकते हैं अंतिम संस्कार, तो नेल का अर्थ होता है अंतिम संस्कार और ये क्या है अंतिम समय की घंटी, ठीक है, कि अंतिम समय आ गया है, तो उस समय को कहते हैं अपन ए फुनरेल बेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड का अपन कह सकते हैं ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, गार्डन ऑफ फ्रूट्स, जो गार्डन होता है फ्रूट्स का उस पर क्या बोलते हैं ऑर्चार्ड, ठीक है, ऑर्चार्ड मतलब होता है ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, अपन ऐसे याद कर सकते हैं ऑर्चार्ड को कि गार्डन के बाहर एक चार्ट लगा था, इस गार्डन में कौन से फ्रूट्स है, ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं ऑर्चार्ड, एक गार्डन ऑफ फ्रूट्स यानी फ्रूटों का एक फ्रूट्स जो होते हैं उसका एक पूरा पूरा गार्डन है, तो इसको याद करने का तरीका होता है चार्ट, चार्ट मतलब चार्ट, चार्ट कहाँ लगा है गार्डन के बाहर कि यहाँ पर कौन से फ्रूट्स लग रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देखो एमनेस्टी, एमनेस्टी तो अपन कह सकते हैं ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स,
यानी जो गलत गतिविधि करे, गलत गतिविधि जिसे अपन कह सकते अपराधी है, वो अपराधी क्या करता है, पार्डन यानी माफी मांग रहा है, सामान्य माफी चाह रहा है, ठीक है। तो एमनेस्टी मतलब क्या हो सकता है, अपन एनिमी से अपन याद रख सकते हैं, एनिमी शब्द से अपन थोड़ा बन रहा है, एनिमी कौन होता है, शत्रु होता है, जो देश का शत्रु कह सकते हैं, अपराधी होता है वो, ठीक है ना। तो उस तरह से अपन याद कर सकते, याद करने के बता रहा हूँ ट्रिक आपको, एनिमी शब्द से मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए, जैसे अपन कह सकते हैं राजनेता क्या होते हैं, कुछ अपराध करके फिर माफी मांग लेते हैं, तो ऐसा होता ना कि कुछ गलत करके माफी मांग लेना, तो वो राजनीतिक अपराधी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 24। प्लूटोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट है जो बलवान भी है और मतलब पावरफुल है, मतलब पावरफुल कह सकते हैं अपन कि एक सक्षम है जैसे अपनी, और रिच है जैसे अपन कह सकते हैं अमेरिका क्या है, एक रिच भी है पावरफुल भी है, तो वो गवर्नमेंट है उसको अपन कह सकते हैं प्लूटोक्रेसी। तो याद करने का तरीका, प्लूटो से अपन को याद आता है प्लेटेनियम, प्लूटो से याद आता है प्लेटेनियम, प्लेटेनियम शब्द से अपन जानते हैं कि वो महंगा होता है, रिच होता है, पावरफुल होता है, तो अपन इस तरह से याद रख सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लो 25। तो देखो ओलिगार्ची का अर्थ क्या है, गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन, मतलब कह सकते हैं एक छोटा ग्रुप है और बहुत पावरफुल है, तो इसका अर्थ है। तो अब ये कह सकते हैं कि जैसे उत्तर कोरिया किम जोंग कितना पावरफुल है, छोटा देश है और कितना पावरफुल है, तो ऐसे ही अर्थ है ओलिगार्ची, ठीक है। ओलिगार्ची अपन कह सकते हैं ओल यानी सारे लोग, जब कहते ना कि छोटा हो तो क्या हुआ देश, अगर सारे मिल जाए एक साथ हो जाए तो वो क्या हो जाता, ऑल यानी पावरफुल, यहां से अपन ट्रिक बना सकते हैं ऑल यानी पावरफुल, ठीक है इस तरह से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस तरह के मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हाईकोर्ट भी है, पटवारी में भी है, और जो भी वैकेंसी होती है एसएससी बैंक वगैरह सभी में काम आता है। तो ट्रिक से याद करो तो लंबे समय तक याद रहेगा आपको, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे आपको मालूम पड़े कि इस तरह की क्लासेस हो रही है, ठीक है।